क्या हाल है? अनुभव आप भी सब ठीक हो गए? तो आज हमारी मुर्गी बाहर आ गई है। ये रही हमारी मुर्गी, और ये आज दाना दूना खाने आती है इस टाइम शाम के वक्त, क्योंकि फिर हम सबको बंद कर देते हैं। फिर अंधेरी आती है ना बाहर, और सारा दिन कुछ नहीं खाती है। कुछ भी नहीं खाती पीती, कुछ भी नहीं खाती है। अब देखो माजी भी कितनी तेजी से खा रही है। भूख लगी होती है ना, मैं इसको और दाना डाल देता हूँ। तो ये सारा दिन भूखी रहती है। ये देखो ये भी तुमसे मांग रही है, नहीं खाना उसने हाथ में, डरती है। चलो वो उसके प्लेट प्लेट में डालो। मतलब इसने एक बार ही दिन में खाना खा रहा होता है। तो गाइस अगर आपने भी ऐसी मुर्गी रखनी होती है ना, तो आप भी उसकी ऐसी केयर करा करें, क्योंकि वो फिर ऐसे है ना, अगर आप केयर नहीं करेंगे उसको देखेंगे नहीं तो वो खाना पीना छोड़ देगी। हमें भी बहुत टेंशन हो रही है कि ये कुछ खाती नहीं है, लेकिन हम फिर भी इसको खोल देते हैं ताकि ये बाहर आके खा ले। और दिन में कितनी बार खोलना चाहिए? दिन में ये तो 2-3 बार खोलना चाहिए, लेकिन ये जो मुर्गियाँ होती हैं ना, ये फिर ऐसे आती हैं ना, जिनको प्योर हो जाती है ना, प्योर सील हो जाती है। तो फिर आप लोगों ने भी है ना ऐसे ही उसकी घेर के रखनी है। तो आज आपको पता है कितने दिन हो गए ऐसी मुर्गी को? कितने दिन हो गए? आज 4 दिन हो गए हैं, 4.5 दिन हो गया पूरा आज। अच्छा। अब इस टाइम पर सही। तो हम जब रात को आएंगे, अंडे कितने रखे थे हमने इसके नीचे? 18 नीचे ले लेती है क्या? मैं तो कहता 2 उठा लेते हैं, लेकिन फिर दिल कहते हैं नहीं सारी बच्चे निकल आएंगे। कवर कर ली थी ये सारे? एक दो नजर आते ही रहते हैं, चलो इतने तो होते ही रहते हैं ना। और इसका कुड़ा जो है वो धूप वगैरह में रखना है? धूप लगनी भी चाहिए होती है, क्योंकि इनको भी फिर ना ऐसे जरा सा सुकून मिलता है धूप में। तो इस वजह से ना अगर ये उठ भी गई ना, तो धूप की वजह से उनको सेक मिलता रहेगा और वो तब भी गर्म रहेंगे। तो इसीलिए अंडों के लिए धूप ही ज़्यादा सही है। सही। तो अब ये कब ये जाएगी अपने केज में? ये अभी 5-10 मिनट ऐसे ही अभी ये घूमे फिरेगी, फिर इसने जब देखने मेरे अंडे अकेले हैं तो फिर इसने भाग जाना अंदर। पहले तो ये दूसरी वो उधर वाली छत पे साथ वाले घर में चले जाती थी, अब नहीं ये जाती उधर? अब क्यों नहीं जाती? अब उसने कुड़ा कमा ली हुई है, उसको समय लग गया कि ये ही मेरा घर है, उसको मैं पीछे कर दूं। ना ना कोई कुछ नहीं होता, उसने खुद ही मुर्गी ने देख लेना है उसको, और खुद ही मुर्गी ने जाने ही नहीं देना उसको अंदर देखना। अगर वो अंदर गई ना उसके केज में अंडों के पास तो देखना। मुझे तो डर लग रहा है कहीं पी ना जाए इसके अंडे। मुझे लग रहा है वो भी कूड़ा को ना चाहती है क्योंकि उसके भी अंडे हमने इसके नीचे रख दिए। देखते हैं क्या करती है जाने। बस ठीक है ठीक है, इसे ना खुद ही देख लेना इसको। अब ये जाएगी क्या नहीं उसके केज में? इसकी जरूरत ही नहीं होनी, जब उसने प्यार आगे करना है इसने साथ दिया। उसको पानी वगैरह डाल दो थोड़ा सा, इसको पानी सुबह से इसने कुछ नहीं खाया, वो उसमें डाल दो। हाँ ये वाली प्लेट में जाओ पानी लेकर आओ। क्या होता है जिस दिन धूप निकलती है ना हमारा पानी गर्म रहता है। हाँ तो गर्म पानी इनके लिए ठीक होता है ना। इसके अंदर इनको पानी भी डाल देते हैं, वो दाना भी पड़ा है। इसने पानी पीने में वो पानी पी लिया जिसने दाना खाने वाला था। इसने पानी भी एक बार दिन में पीना होता है? यस। अब ये पोटी करेगी, इसकी ये यही बात है, शाम को आकर करती है, अंदर नहीं करती। मतलब ये दिन में सिर्फ एक बार बाहर आती है और थोड़ा सा खाना खाकर चले जाती है। यस। कमजोर हो गई है ये ना कूड़क की वजह से? अब पता नहीं क्या, इसको मजा आता है बैठने पर। अच्छा पता नहीं तो क्या वजह है, बाहर ही नहीं आती। पहले तो ऐसे आती थी जैसे पता नहीं क्या होता है बाहर। अब ये खुद ही चली जाएगी अंदर? यस। और मुझे लगता है ये छत की सफाई भी होने वाली है काफी ज्यादा, तो कर लेते हैं आज फिर। चलो फिर करो स्टार्ट, हो जाओ नीचे से झाड़ू वगैरह लेकर आओ, काम पे लग जाओ। 20 रुपए दिहाड़ी पे 20 रुपए मिलेंगे, जाओ जाओ जल्दी। इस बार तुम करोगे, मैंने पिछली बार की थी। तो मुर्गियाँ किसकी हैं? आपकी। मैं फिर भेज देता हूँ सारी, इसमें मेरा भी हिस्सा है। हाँ तो फिर चलो दाना दूना भी इनको खिलाया हुआ है ना।
मेरा भी है है ना गाइस। माशाल्लाह अब तो ये खा ली, और थोड़ा सा डाल दो अभी, वो तो खा ले, थोड़ा सा डाल दो। हाँ चलो ऐसे ठीक है, इधर डाल दिया खाना, वो देखो जाओ काम झाड़ू ले करो। ये अंडे हम देख सकते हैं कुछ के? अभी रात नहीं हुई क्योंकि फिर इसकी कैंटीन ठीक नहीं होनी, इसके अंडों की नहीं, वो नहीं, वैसे ही मैं देखने को कह रहा हूँ, देख लो। चलो देखते हैं, आपको भी दिखाते हैं गाइस। भाई ध्यान से, वो मारती भी है। अच्छा वो आ भी जाती है, वाह माशाल्लाह। ये वाले अंडे हैं इसके सारे, जिन पर ये कुड़क हुई है, बिल्कुल परफेक्ट है। देखना उसने कैसे ये गोल कर लिया ना खुद को, वो खुद का वो कितना प्यारा बना लिया। जब ये बैठती है ना तूड़ी के ऊपर, तो वो इतना वजन डालती है ना अपना कि अंडों ऊपर ना ऐसे डले, तो ये ना खुद व खुद ही ऐसे नीचे कर लेती है, अगर जो नहीं होता अपने पैरों के साथ इधर उधर कर लेते हैं। सही, चलो वापिस आ जाओ, उसने बैठना होगा। और ऐसे इसका एक काम होता है क्योंकि फिर ये अंडे ना इधर उधर नहीं दिखते, ऐसे एक जगह पर ही पड़े रहते हैं। हाँ चलो आ जाओ, दरवाजा खुला रहने दो, खुद ही चले जाएगी, खाना खा रही है अभी, अब खाते रहे। हमने इसको जाते हुए देखना है कब तक जाती है ये, लोग तो ये हमारी वाइट वाली अंदर जाके बैठ जाएगी अंडों पर, जैसे वो बार बार देख रही है हमको। मुझे भी यही लग रहा है, और उसको मारने के लिए उसकी रस्सी पकड़ रही है। इसने चले जाना है अंदर क्योंकि इसने भी कूड़ा बोना है, उसे ना खुद ही बाहर निकाल देना इसको, लगने मेरे लिए रखे अंडे।